13 तारीख की शाम को एक किरियाना शॉप चलाने वाले रमेश कुमार सन ऑफ धनी राम जो कि रामबन के रहने वाले हैं, वो थाने में आए और उन्होंने कहा कि कम से कम उनके 3 लाख के करीब पैसे जो वो कई सालों से जमा करके उन्होंने किसी बैक साइड में अपनी दुकान की किन्हीं डब्बों में रखे हुए थे वो उनको नहीं मिल रहे थे और वो उनको ये शक था कि वो कहीं ना कहीं किसी ने चोरी किए हैं। पहले उन्होंने खुद ही ढूंढने की कोशिश की, जब उन्हें वो चोरी का शक उनको आया तो फिर वो थाने में SHO के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए। तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में उनके जितने भी वर्कर्स थे उनको मतलब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया थाने में और स्पॉट पे जाके उस सीन को थोड़ा रिक्रिएट किया गया, देखा गया कि कैसे वो चोरी को अंजाम दिया गया है। वहीं से हमको हिंट्स मिलने शुरू हुए और फिर हमने वहाँ के CDR IPDR भी निकाल के टेक्निकल एनालिसिस करके हमें एक सस्पेक्ट को हमने राउंड अप किया। थोड़ी सी क्वेश्चनिंग के बाद उसने खुद ही अपना जो है वो कबूल कर लिया और इस चोर का नाम है बिंदेश कुमार सन ऑफ सुरमचंद रेजिडेंट ऑफ सिंचा और ये इन्हीं कंप्लेनेंट के यहाँ पे एक काम करने वाले इनके एम्प्लॉय का भाई है। तो इस अक्यूज को पकड़ लिया गया है और FIR लगा दी गई है अंडर सेक्शन 457 एंड 380। FIR नंबर इज 347/2023 पुलिस स्टेशन रामबन। ये पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे DGP सर IG सर DI सर इन सभी की अपने अपने ऑफिसर्स को यही बार बार डायरेक्शंस आती हैं कि चोरियों को हम हाई प्रायोरिटी क्राइम की तरह ही ट्रीट करें और कोई भी चोरी जो है वो हमारी अनट्रेस्ड की तरफ नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये लोगों का हार्ड अर्न्ड इनकम उनकी मेहनत की कमाई है और अगर ये चोरी होते हैं तो हमें वो चोरों को पकड़ना है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलनी है, पर्सनल फाइल्स खोलनी है, जितना उनके ऊपर नकेल कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं एंड दिस विल कंटिन्यू द वे इट हैज बीन इन डिस्ट्रिक्ट राम। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे एक ऑपरेशन थर्ड आई वो आप जानते हैं, कई बारी मैंने अपनी पुरानी बाइट्स में और PCPG मीटिंग्स में भी उनका जिक्र किया है। ऑपरेशन थर्ड आई के अंदर हम लोगों से अपील करते हैं कि वो CCTV कैमरास जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर लगाएं, उससे काफी ज्यादा मतलब एक डिटरेंट इफेक्ट भी पड़ता है इन्हीं चोरों के ऊपर, उनको पता है कि जिसे कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है तो वैसे ही इनको डर रहता है और अगर ये फिर भी जुर्रत कर लेते हैं किसी तरीके से क्राइम करने की तो वो पुलिस को काफी मददगार रहता है कि उनको हम एप्रीहेंड जल्द से जल्द कर पाते हैं। तो ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग का तरीका है जिसमें लोग भी हमारा साथ दें और हम भी जो है कैमराज लगा के और जिस तरीके से हमारी जो ड्यूटी है उसको पूरा करते हुए हम ये वाला क्राइम जो है वो इराडिकेट करें। बिल्कुल, हम आजकल कहते ही अब तो नाम ही यही है हमारा कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो हमारी एक और पुलिसिंग का तरीका बन चुका है जिसके अंदर लोगों के पास जाना, लोग हमारे पास आए, उस चीज का जो पहले एक बैरियर होता था वो बैरियर्स जो है आई बिलीव कि आज की डेट में वो तोड़ चुके हैं, पुलिस भी तोड़ चुकी है और लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ मीटिंग्स, थाना दिवस और ये सारे जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं इनको करके हम लोगों के साथ अपना जो आपसी संबंध है वो एक तरह से काफी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और जितना हमने इस तरफ कदम उठाए हैं मैं मानती हूँ कि क्राइम रेट में भी उतनी कमी आई है, लोग रिपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ वो मदद करते हैं पुलिस की कि चोरों को या इस तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। और जब से मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ ये चीज़ तो मैंने देखी है कि कभी भी कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ के पंच, सरपंच, नंबरदार, चौकीदार वो खुद सामने आते हैं कि वो हमारे पूरे तरीके से थैंक यू बोलना चाहते हैं हम क्यों रामबन पुलिस को, बड़ी अच्छी मतलब उन्होंने अपना काम निभाया अच्छे हिसाब से, तो बाकी उनके वहाँ 10-12 आदमी आ गए, उन्होंने फौरन तहकीकात की, वो जिस तरह से निकला था वो जिधर से आया था तो उन्होंने उसी वक्त उधर कैमरे के हिसाब से उन्होंने फोन आया था कौन नहीं उसी वक्त कर दिया, तो 4-5 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया, काम किया इन्होंने, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।